हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर गेमर वाइज में। तो आज हम खेले मार्वल सीरीज वाइट, और जैसे देख सकते हैं लोग कार्नेज का यूनिफॉर्म आ चुका है जो टियर 4 है। और ये यूनिफॉर्म लेना है नहीं लेना है इसके बारे में बात करूँगा भाई। जो ऑल यूनिफॉर्म का डिस्काउंट है 40%, उसके बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो यस गाइस, सभी सेल हो जाए भाई, यहाँ पे मैं खुद परचेस करने वाला हूँ। क्यों 40% इसलिए परचेस करूँ क्योंकि भाई मेरे से गलती होती है, और भाई उस गलती के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मैं आज ही वो वीडियो डाला हूँ। तो प्लीज़ जाकर एक बार वो देख लेना। आप लोगों से भी न्यू प्लेयर हो गाइस ना, आप लोगों से भी गलती होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कौन सा बेस्ट यूनिफॉर्म न्यू प्लेयर्स के लिए सही रहेगा, और अभी मैं कौन सा लेने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस मेरे पास आए आयरन मैन का बैक टू बेसिक्स वाला यूनिफॉर्म है, जो कि मैंने सबसे पहले परचेस किया था। फिर मैंने हल्क बस्टर परचेस किया था 3099 वाला, ओके 3099 हल्क बस्टर। और फिर उसके बाद स्पाइडरमैन नो वे होम वाला यूनिफॉर्म लिया था, ओके हल्क बस्टर वाला मैंने लिया था इसको। ये थर्ड सेकंड था, और थर्ड अपना नो वे होम वाला स्पाइडरमैन, ओके ये वाला स्पाइडरमैन ना। तीन यूनिफॉर्म लिया था भाई। मेरा ओपिनियन ये है कि आप न्यू प्लेयर भाई सबसे पहले आयरन मैन का बैक टू बेसिक्स वाला यूनिफॉर्म ले लीजिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं भाई, कोई इशू नहीं है। आप लोग इसको यूनिफॉर्म को लेकर आयरन मैन को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाइए, ओके। अगर आपको यूनिफॉर्म ले लिया तो भाई सेकंड और लास्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब भाई दूसरी बार आपको क्या खरीदना है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये कास कर मैं कोशिश करूँगा भाई दूसरे टॉपिक के ऊपर मत जाऊँ, और एक ही बार मैं रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि भाई मैं एक ही बार इस यूनिफॉर्म को बाय करूँगा, ओके। तो यहाँ पर बता दो न्यू प्लेयर्स, फर्स्ट आयरन मैन को ले लीजिए, आयरन मैन ले लिए, और सेकंड आप हल्क बस्टर को नहीं भी लोगे चलेगा, लेकिन सेकंड आप स्पाइडरमैन को ले सकते हो भाई। थर्ड है या थर्ड बोलो या सेकंड बोलो भाई, मैं लूँगा अपने किधर गया भाई थॉर भैया किधर गए थॉर एक मिनट गाइस, थॉर जरा, ओके गाइस थॉर यहाँ पे मुझे दिखेगा तो भाई ये रहा, ओके थॉर का ये वाला यूनिफॉर्म, मतलब लव एंड थंडर वाला यूनिफॉर्म मैं लेने वाला हूँ। और भाई इसको मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने थॉर को किया है भाई, ले रहा हूँ बस 150 में ले लिया। और मैं क्यों लियो भाई, ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को बता देता हूँ भाई, वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि वो मैं कहीं ना कहीं भाई वेस्ट कर देता हूँ, ओके। थॉर लव एंड थंडर का मैंने यूनिफॉर्म ले लिया है, देख सकते हैं यह यूनिफॉर्म मैंने बाय कर लिया आप लोगों के सामने। अब भाई ये मेरा सेकंड, समझ लो सेकंड या फिर थर्ड यूनिफॉर्म भाई, और यूनिफॉर्म लेना है मुझे, ओके। मैं जितने क्रिस्टल है भाई सब मैं लगाने वाला हूँ आज, और आज मैं अब ले ले रहा हूँ भाई डॉक्टर स्ट्रेंज, ओके यस गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिफॉर्म मल्टीवर्स ऑफ माइंडनेस, ये वाली यूनिफॉर्म मैं सोचे समझे भाई ले, मतलब सोचे समझ के ले रहा हूँ, क्योंकि ये भाई टाइम के साथ खेलता है, और टाइम लाइन बैटल में ये बहुत बड़ा काम करेगा मेरा। तो भाई ये यूनिफॉर्म ले लिया भाई, मैं तीन यूनिफॉर्म बाय करने वाला हूँ, और जो कि एक यूनिफॉर्म है भाई जो कि मैंने चेंज कर दिया भाई, वो बता दो कौन सा है। अब भाई थर्ड मैं ले सकता हूँ कौन सा भाई, अपना थैनोस का, ओके थैनोस का ये वाला यूनिफॉर्म जो एकदम लेटेस्ट वाला है, ये वाला यूनिफॉर्म बाय कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है क्योंकि भाई मैंने थैनोस को अभी तक लेवल अप स्टार अप रैंक अप भाई जो भी बोलो भाई इसको अपने किया मैंने, अभी तक 40 लेवल है और भाई 2 स्टार है। तो भाई अभी रैंक अप करने के लिए भाई बहुत सारे मटेरियल चाहिए, वो सब मटेरियल भी मेरे पास भाई नहीं है, देख सकते हो लोग भाई मेरे पास 0 मटेरियल है। तो भाई मैं बोलूँगा कि मैं इसको अभी लूँगा नहीं, क्योंकि भाई यूनिफॉर्म लेके क्या फ़ायदा है। इसलिए मैं आपको भाई हर बार बोलता हूँ, जिसका आप टियर 2 कर चुके हो, लेवल 60 अप कर चुके हो, तो भाई लेवल 60 वाले और टियर 2 वाले भाई वो यूनिफॉर्म ले सकते हो वो कैरेक्टर, ओके। तो अभी मैं लेने वाला लॉकी का, मैं हल्क का नहीं ले लूँ क्योंकि शायद हल्क अभी एक स्किल इनफ हो गई है हल्क की, तो भाई मैं हल्क का नहीं लूँगा, वरना मैं सोचा था हल्क का लेने, लेकिन भाई थैनोस का मैं लूँगा 50% ऑफ में। अभी 40% सेल है भाई, मैं 50% में लूँगा, क्योंकि अभी देख सकते हैं 1500 क्रिस्टल देने पड़ते हैं, और भाई 100% जब रहता है कोई सेल नहीं रहते भाई 2500 क्रिस्टल देना पड़ता है, 2500 भाई बहुत ज़्यादा, और 50% में मुझे 1250 मतलब 1250 क्रिस्टल में मिल जाएगा, तो भाई मैं 50% सेल का इंतजार करूँ, जो कि भाई अगले महीने नवंबर के हाफ में, ओके 15 नवंबर 16 नवंबर कोई भी, उसके बाद से भाई अपने को 50% सेल देखने को मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे भाई अब तीसरा यूनिफॉर्म कौन सा लेना मैं बता रहा हूँ भाई, ये मेरा ओपिनियन है जो कि मैं लिया हूँ, ओके। फर्स्ट आयरन मैन लिया, सेकंड थॉर लीजिए या आयरन मैन लीजिए, ओके। थर्ड है अपना डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर आपके पास डॉक्टर स्ट्रेंज का एपिक कॉस्ट कंप्लीट हो गया तो डॉक्टर स्ट्रेंज लो, वरना मत लो, ओके। डॉक्टर स्ट्रेंज के बदले स्पाइडर मैन ले सकते हो, ओके। अब भाई यहाँ पे मैंने किसी को नंबर 1 2 नहीं दिया भाई, कोई भी नंबर 1 2 आप समझ सकते हो, लेकिन हाँ आयरन मैन को आप सबसे पहले खरीद सकते हो,
और बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना गाइस। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ लॉकी का यूनिफॉर्म, लॉकी का जो न्यू वाला यूनिफॉर्म है गाइस, जिसके हिट्स बहुत ज़्यादा है, उसको मैं भाई उसके हिट्स देख के ले रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे गाइस मैं लॉकी को थोड़ी ढूंढ रहा हूँ भाई, अगर आप लोगों को देख रहे हो लेकिन भाई मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा रिकॉर्ड करने में ध्यान है, तो भाई मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा यार। एक मिनट गाइस, लॉकी का यूनिफॉर्म यहीं कहीं होगा यार। वन मिनट गाइस, वन मिनट। लॉकी भाई, अब मैं बोला एक ही बार रिकॉर्ड करूँगा भाई, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए गाइस, थोड़ी देर। लॉकी का यूनिफॉर्म, लॉकी भाई किधर गए आप? नो। ओके लॉकी भाई, यस लॉकी भाई ढूंढने के बाद मिल गया भाई। इस बंदे को कौन नहीं जानता भाई, ये वाला यूनिफॉर्म लेना है, ब्लैक सूट वाला, याद रखना ये सूट वाला मत लेना, ब्लैक सूट वाला जो सीन्स पहना भाई वो वाला यूनिफॉर्म लेना, क्योंकि इसके हिट्स भाई बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको टीयर खरीदे तो भाई लाइफ झिंझा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टीयर थ्री के जो हिट्स हैं ना भाई वो मैक्सिमम जाते हैं। लेकिन इसके कुछ मतलब साइड इफेक्ट मतलब कुछ है जो, क्योंकि इसके ये मतलब इसका एटी के ना भाई थर्ड जीतना है, यानी इसका टीयर फोर आएगा तो और प्लेस ये वाले यूनिफॉर्म के साथ बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद एटी के भी बढ़ते होंगे, अटैक्स भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोलूँगा भाई मैं ये वाला यूनिफॉर्म ले रहा हूँ लॉकी का, नो डाउट नो कुछ भी भाई, बाय कर लो भाई। आपके सामने मैंने बाय कर लिया यूनिफॉर्म, अब भाई जैसे जैसे भाई आते जाएगा, अब मैं यहाँ पे इन तीनों को टीयर थ्री करने के बारे में सोचूंगा। सबसे पहले भाई मैंने अपने थॉर भैया को कर लिया है लेवल 60। ओके लेवल 70 करने के बाद मुझे गेयर अपडेट करने के बाद मुझे टीयर थ्री करना है, क्योंकि भाई मेरे पास टाइटन बुक ज़्यादा जमा हो गई है, टाइटन बुक हो गई है यूनिवर्सल टाइप की, मतलब अपने थॉर यूनिवर्सल का, तो भाई 10 टाइटन बुक जमा हो गई है। अब भाई सिंपली से मैं जाऊँगा थॉर को टीयर थ्री करने का सारा मटेरियल्स कलेक्ट करूँगा। अब भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को बाद में टीयर करूँगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को भाई बहुत ही, अब भाई इसका देखता हूँ भाई इसका सूट को अपडेट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। ओके भाई ये मटेरियल चाहिए, ओ भाई ये मटेरियल भाई बीच में आता है, क्योंकि ये मटेरियल मुझे थानोस को वर्ल्ड बॉस के सारे जितने कैरेक्टर्स भाई उसको लेवल अप करने में काम आता है। तो यार और बाकी के यूनिफॉर्म्स के मटेरियल्स देख लो भाई अपडेट करने के लिए क्या लगते हैं। ओके भाई यूनिफॉर्म अपडेट में भाई ये, ओके इसके बायोमेट्रिक्स लगते हैं, अब कब से गाइस इनके बायोमेट्रिक्स लगते हैं, मैं इसको लेवल अप करूँगा। ओके नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी मुझे इसको 100 करना है, कर देता हूँ। ओके भाई आप लोगों के सामने कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं अभी मैक्सिमम नहीं करूँगा, मतलब मैथिक तक नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतने पे करके भाई हो गया। अब मुझे कितने बायोमेट्रिक्स हैं, 60 बायोमेट्रिक्स। अब भाई यहाँ पे मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए भाई बता दिया कौन सा यूनिफॉर्म लेने हैं। अब भाई मैं रैंक मैं कितना नंबर पर लेने बोलूँगा भाई, नंबर वन पे आप किसी को भेजिए, थॉर को रखिए या आयरन मैन को रखिए। ओके क्योंकि भाई टाइम लाइन बैटल में थॉर भी अच्छा लगता है, और मतलब कहाँ पे अपना वो कौन सा GBR, ओके GBR है, टाइम लाइन बैटल है और अलायंस बैटल, ओके तो वहाँ थॉर काम आएगा, और भाई वहाँ पे अपना आयरन मैन भी काम आता है। लेकिन आयरन मैन को मैं देखाऊँगा इसकी वो थोड़ा सा टाइम लाइन बैटल में थोड़ा सा कम हो जाता है, जो टीयर थ्री वाला आयरन मैन है, जैसे मेरा वाला आयरन मैन है भाई, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है टाइम लाइन बैटल में बोलो। लेकिन ये GBR अलायंस बैटल में भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। ओके तो अभी भाई मैं बोलूँगा कि ये तीनों यूनिफॉर्म अभी मैंने लिए हैं आप लोगों के सामने, अब भाई इसको टीयर थ्री करूँगा भाई आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, इसको जल्दी से जल्दी मैं यूट्यूब पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। 40% से अगर अभी देख रहे हो ना भाई, अभी वीडियो देख रहे हो, आज 5 अक्टूबर को वीडियो देख रहे हो, तो भाई ये एक हफ्ता रहने वाली है, तो प्लीज़ एक हफ्ता ये सही रहने वाली है भाई। आप अगर आपके पास है क्रिस्टल है भाई, जाके सीधा बाय करो। ओके क्योंकि गलती वाली वीडियो मैंने बना दी है, डोंट यूज़ क्रिस्टल वाली वीडियो बना दी है, अगर नहीं देखे भाई बार बार बोल लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। आप वहाँ क्रिस्टल मत लगाना और ना ही क्रिस्टल वेस्ट करना, सिर्फ और सिर्फ कि आपको यूनिफॉर्म खरीदना है क्रिस्टल से, न्यू प्लेयर्स करो भाई बार बोल रहा हूँ मत लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय।